हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस किए थे। अगेन हम अनदर जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज फ्रॉम व्हाट एंटीबायोटिक इज मोस्टली ऑब्टेन। तो मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स है वो हमें किस में से मिलती है? ए बैक्टीरिया, बी एक्टिनोमाइसिट्स, सी साइनोबैक्टीरिया, ई एंड बी बोथ। सो हियर स्टूडेंट, साइनोबैक्टीरिया तो एल्गी है, राइट? और नॉर्मली आपने वो इसके बारे में स्टडी किया होगा अब तक, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशंस में वर्क करती है, राइट? या इसे हम एज अ फर्टिलाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट एंटीबायोटिक पॉइंट ऑफ व्यू भी इतना हमें नहीं जानने को मिला है, राइट? यहाँ पे आप देखो तो बैक्टीरिया, राइट, कि बैक्टीरिया में से हमें एंटीबायोटिक मिल सकती है। हियर स्टूडेंट, एक्टिनोमाइसिट्स इट्स ऑल्सो वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, राइट? सो हियर हमें जो राइट आंसर है, राइट, वो राइट आंसर होगा ए एंड बी बोथ, राइट? ओके, राइट आंसर है ए एंड बी बोथ। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज ऑफ व्हाट इज बायोगैस इज मेड। तो बायोगैस किससे मिलता है हमें? तो ऑफ कोर्स आपने देखा होगा वीडियो में कि जो थ्रू दी एनारोबिक कंडीशंस में फर्मेंटेशंस होता है, राइट, और वहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस फॉर्म होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस से ही बनता है बायोगैस, राइट? सो यहाँ पे आप ऑप्शन देखो, ए इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन एंड हाइड्रोजन, एंड डी कार्बन मोनोऑक्साइड, इथेन एंड हाइड्रोजन। ओके, सो यहाँ पे आप देखो तो हमने जो देखा वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं आया, राइट? मीथेन एंड हाइड्रोजन H2S आया है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं आया, राइट? सो यहाँ पे आप देखो तो इथेन, आप देखो ऑप्शन सी में है, बट इथेन भी नहीं फॉर्म होता है, राइट? सो हियर राइट आंसर क्या आएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन इज राइट ऑप्शन। ओके, थर्ड वन, बाय व्हाट मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, राइट? कि कौन सी प्रोसेस से मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है, राइट? तो हमने फर्स्ट इस चैप्टर की फर्स्ट थियोरी है उसमें ही पढ़ा है, राइट? पहले चलो ऑप्शन देख लेते हैं, Xanthomonas citrii, B Lactobacillus acidophilus, C Acetobacter aceti, D none of the above. ओके, सो यहाँ पे आप देखो तो LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, राइट, या अनदर वर्ड में हम कह सकते हैं उसे Lactobacillus, राइट? सो यहाँ पे आप देखो तो मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड बाय लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको एलएबी शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है, लैक्टोबैसिलस आ सकता है, लैक्टोबैसिलाई एसिडोफिल्स है, राइट? एसिडोफिल्स इसलिए स्टूडेंट बिकॉज ऑफ आपने देखा होगा तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, राइट? कर्ड में क्या फॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, सो दैट इज अ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। ओके, फोर्थ वन, व्हाट इज इंक्लूडिंग इन आईपीएम। ओके, तो आईपीएम के अंदर स्टूडेंट क्या इंक्लूडेड है? तो स्टूडेंट आईपीएम के अंदर क्या होगा? बायो कंट्रोल, बायो फर्टिलाइजर, टिश्यू कल्चर एंड ऑल ऑफ द अबव, राइट? तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम देखो तो यहाँ पे आईपीएम जो है, राइट, ये आईपीएम जो है वो बायो कंट्रोल करता है। ओके,
सो हियर जो आंसर है वो ए आएगा. नेक्स्ट फिफ्थ वन. ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 बाय एक्शन ऑफ विच माइक्रोब्स होल्स आर मेड. राइट, आपने ब्रेड खाए होंगे, ब्रेड में आपने क्या देखा होगा, तो हॉल्स देखे होंगे. राइट, तो उस हॉल्स किस तरह से जनरेट होते हैं, तो जब ब्रेड का डो प्रिपेयर होता है, राइट, तो डो के प्रिपेयर के टाइम पे क्या होता है, तो हम उसमें ईस्ट डालते हैं, ईस्ट वहाँ पे फर्मेंटेशंस करती है, और फर्मेंटेशंस के टाइम पे CO2 एंड इथेनॉल एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वहाँ पे जनरेट होता है. राइट, और यहाँ पे ऑफकोर्स आपने ब्रेड खाया होगा तो उसमें आपको थोड़ा स्वीटी सा स्वीट टेस्ट आया होगा, और जो हॉल्स होते हैं वो डो के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस होता है वो इधर उधर तो जा नहीं पाएगा, तो डो में ही रह जाएगा. राइट, सो दैट वहाँ पे हॉल्स रहते हैं. ओके, सो ऑप्शन इज ईस्ट, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ और वायरस. राइट, सो हियर राइट आंसर इज ईस्ट. ओके, फ्रॉम व्हाट साइक्लोस्पोरिन इज ऑप्टेन. राइट, कि साइक्लोस्पोरिन किस में से ऑप्टेन किया जाता है. ओके, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था साइक्लोस्पोरिन के बारे में, जब हमने MCQ डिस्कस किए थे. राइट, कि साइक्लोस्पोरिन जो है वो किस में से मिलता है, तो साइक्लोस्पोरिन मेड फ्रॉम फंगी. राइट, कि साइक्लोस्पोरिन जो है वो हमें फंगी में से मिलती है. ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम व्हाट बियर इज ऑब्टेन. बियर हमें किस में से मिलती है. ओके, ग्रेप्स, एप्पल, बार्ली और मस्टर्ड. ओके, बियर प्रोडक्शंस हम किसके हेल्प से कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, बार्ली. ओके, बार्ली में से बियर प्रोडक्शंस होता है. नेक्स्ट, लेडी बर्ड इज यूजफुल टू गेट रीड ऑफ व्हाट. लेडी बर्ड का यूज किसे कंट्रोल करने में होता है. राइट, ए एफिड्स, मॉस्क्यूटो, बल्बॉम्स और गिवन ऑल. ओके, तो लेडी बर्ड इज यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एफिड्स. ओके, ये बायो कंट्रोल एजेंट्स. राइट, कि बायो एजेंट्स जो कि हमें पेस्ट के सामने या जो अनयूजुअल फार्म में होता है उसे कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं. राइट, सो नाइन में क्या आएगा, एफिड आएगा. ओके, नेक्स्ट, विच प्रोसेस इन मेकिंग ऑफ इडली एंड डोसा इज ड्यू टू LAB. LAB मीन्स लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. राइट, तो कौन सी प्रोसेस इडली डोसा मेकिंग में होती है. राइट, कंडेंसेशन, फर्मेंटेशंस, डीकम्पोजिशंस एंड बी एंड सी बोथ. ओके, सो हियर कौन सी प्रोसेस होती है स्टूडेंट, ऑफकोर्स फर्मेंटेशंस. ओके, व्हाट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोपियोनी बैक्टेरियम. प्रोपियोनी बैक्टेरियम की हेल्प से क्या प्रिपेयर होता है, स्विस चीज, कर्ड, रॉकफोर्ट चीज और बटर. राइट, ये आपकी जो फर्स्ट थ्योरी है उसमें से ही आपको आंसर मिल जाएगा, कि जो है प्रोपियोनी बैक्टेरियम की हेल्प से स्विस चीज बनाया जाता है. नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो, विच माइक्रोब प्रोड्यूस साइट्रिक एसिड. कौन सा माइक्रोब्स जो है वो साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है. एसिटी बैक्टेरिया, एस्परजिलस नाइजर, क्लॉस्ट्रीडियम एंड लैक्टोबैसिलाई. ओके, सो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, तो साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एस्परजिलस नाइजर. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज यूज्ड इन लॉन्ड्री टू रिमूव ऑयल ब्लॉट्स. लॉन्ड्री के अंदर जो है ऑयल, नॉर्मली हमारे कपड़ों पे जो ऑयल लग जाता है उसे रिमूव करने के लिए हम कौन सा एंजाइम्स यूज कर सकते हैं. ओके, तो क्या आंसर आएगा,
प्रोटीएस, अमाइलेस, लाइपेज और सेल्यूलेस। सो कौन सा ऑयल में कौन सी चीज़ होती है? प्रोटीन्स होती है, अमाइलेस होती है या लिपिड्स होती है? हाँ, आपको सेल्यूलोस तो प्लांट की चीज़ है, हम नहीं होगा। क्या आएगा? लाइपेज। ओके, सो राइट आंसर इज लाइपेज। जो है उसका यूज जो है लॉन्ड्री के अंदर ऑयल रिमूव करने के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज यूज टू डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड? ओके, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करने के लिए किसका यूज होता है? ओके, सो हमने ये एमसीक्यू भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, स्टेटिन्स, लाइपेज, साइक्लोस्पोरिन और इंसुलिन। तो क्या आंसर आएगा? राइट आंसर हियर, स्टेटिन्स, राइट। इंस्टेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल आर पार्ट ऑफ विच बायोफ्यूल टू बी यूज एज एनर्जी आर इन प्रोसेस? ओके, कौन सा जो है वो हम बायोफ्यूल कर सकते हैं इन फ्यूचर, राइट। सो यहाँ पे है जेट्रोफा, म्यूसा, एलिजोटस एंड एजा ड्यूल। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करें जेट्रोफा के बारे में। तो जेट्रोफा जो है, राइट, जेट्रोफा एक ऐसा प्लांट है कि जिसके सीड में स्टूडेंट 40% ऑफ ऑयल हमें मिलता है, राइट। और उसका जो ऑयल है वो विदाउट एनी काइंड ऑफ रिफाइनिंग हम एज अ बायोफ्यूल यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फॉसिल्स फ्यूल की जगह पे इन फ्यूचर हम जो है जेट्रोफा के प्लांट में से, उसके सीड्स में से, याद रखना कितने परसेंटेज, तो 40% जितना ऑयल रहता है जो कि हमारे इंडिया में एज अ बायोफ्यूल उसका यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, वेयर इज सेडिमेंटेशन ऑफ फ्लोक्स टेकिंग प्लेस इन सीवेज प्रोसेस? ओके, कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो होती है, राइट, वो सेडिमेंटेशन ऑफ लॉक्स टेकिंग प्लेस इन सीवेज प्रोसेस तो कहाँ पे होगी, राइट। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बारे में हम बात करें स्टूडेंट, तो सेडिमेंटेशन जो होगा, आपको पता है कि पहले कौन सा टैंक होता है? तो पहले एक्स्ट्रा जो वेस्ट है उसे रिमूव करके जो है सेटलिंग टैंक, राइट। सेटलिंग टैंक के बाद एरोबिक टैंक और लास्ट में स्लज डाइजेस्टर टैंक। ओके, सो यहाँ पे आप देखो, तो क्या आएगा? तो यहाँ पे कौन से टैंक में जो है वो क्या होगा? फ्लोक्स टेकिंग प्लेक्स। तो फ्लोक्स जो है वो कौन से हमें चाहिए होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, तो एनारोबिक टैंक में जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव फ्लोक्स होते हैं, राइट। तो वो हम थोड़ा सेटलिंग टैंक में से क्या करेंगे, टैकिंग करेंगे। ओके, तो सेटलिंग टैंक इज सेडिमेंटेशन ऑफ फ्लोक्स टेकिंग प्लेस इन सीवेज प्रोसेस। ओके, यहाँ पे, तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन ऑफ फ्लोक्स अकर इन टू एनारोबिक टैंक। नेक्स्ट वन, विच बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ कैटल? राइजोबियम, मिथेनोजेंस, एसिटोबैक्टर और सेल्यूलोस। हियर सेल्यूलोस तो स्टूडेंट वन काइंड ऑफ क्या है, सेल्यूलोस एक हम कह सकते कंपोनेंट है जो कि प्लांट सेल वॉल में देखने को मिलेगा, पूरा एक स्ट्रक्चर है,
एसिटोबैक्टर एसिटी जो कि एसिटिक एसिड फॉर्म करता है, मिथेनोजेंस एंड राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशंस में काम करेंगे और मिथेजेंस जो है राइट सो कौन मिथेन गैस फॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ कैटल, तो कौन आएगा, मिथेनोजेंस आएंगे। नेक्स्ट वन इज विच एलिमेंट इज एब्जॉर्ब बाय माइकोराइजा। अब स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज माइकोराइजा, तो माइकोराइजा मीन्स म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ हायर प्लांट विद दी फंगी, राइट, कि हायर प्लांट का जो फंगी के साथ एसोसिएशन होता है उसे हम कहेंगे माइकोराइजा, जिसके अंदर क्या होता है, तो फंगी न्यूट्रिएंट प्लांट को सप्लाई करती है और सामने उसे एक होस्ट मिल जाता है, होम मिल जाता है, राइट। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है फंगी कौन सा कंपोनेंट ट्रांसफ़र करती है, राइट, तो ऑप्शन इज नाइट्रोजन, सल्फर, मैंगनीज एंड फॉस्फोरस। ओके, सो क्या आएगा, फॉस्फोरस आएगा। ओके, हु वॉज द फर्स्ट डिस्कवर ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के फर्स्ट डिस्कवर कौन थे, तो यहाँ पे स्टूडेंट कौन था, मिशर, अर्नस्टेन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड हार्वर्ड फ्लोरंग। सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने पेनिसिलिन नोटेटम में से एक्सीडेंटली फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मिली थी, राइट, सो हियर राइट आंसर इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक, कौन सी है इसमें से एंटीबायोटिक, कार्बोमाइसिन, बेसिट्रेसिन, रैनिन और फ्यूमिजिलिन। ओके, कौन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट फ्यूमाजिलिन, इट्स अ एंटीबायोटिक। ओके, देन बाय द एफर्ट्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट बायोगैस टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड, IARI एंड KVIC, IARI एंड ICZN, क्या आएगा ऑप्शन, ऑप्शन इज IARI एंड KVIC। ओके, PDF में स्टूडेंट आपको MCQ मैंने सेंड किए हुए हैं, ट्राई टू योर सेल्फ। ओके, थोड़े MCQ आप अपने आप से सॉल्व करो, आपको मैं जो इसके आंसर की है वो साथ में भेज दूंगी। ओके।